तो भाई ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स के मैच का इतना शॉकिंग एंडिंग होगा ये कोई नहीं सोचा था। भाई ब्रॉक लेसनर का पैंट भी इस मैच में फट गया था। तो भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में हमें देखने को मिली। भाई सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स का एंट्रेंस होता है और भाई ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स का मैच बहुत ही हाई इंटेंसिव लेवल पर स्टार्ट होता है और भाई ब्रॉक लेसनर पूरी तरह इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे। भाई कोडी रोड्स की हालत खराब कर दी थी लेकिन भाई कोडी रोड्स बैकअप करते हैं और भाई ब्रॉक लेसनर को टर्न बकल में कोडी रोड्स मारते हैं और भाई वहां से कोडी रोड्स इस मैच में डोमिनेट करने लगते हैं। भाई कोडी रोड्स फाइनली डिथ्रोन कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। भाई ब्रॉक लेसनर कमूरा लाख में भी फंसाते हैं कोडी रोड्स को। भाई बहुत देरी तक ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को कमूरा लाख में फंसाया था। भाई कोडी रोड्स भी उन्हीं का फिनिशर आज उन्हीं पे यूज किए। भाई F5 नहीं लगाते हैं, भाई कमूरा लाख कोडी रोड्स भी लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को। और भाई ब्रॉक लेसनर एट दी एंड टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे क्योंकि भाई कोडी रोड्स के कमूरा लाख में ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा दर्द में थे। और भाई एट दी एंड में हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर को कोडी रोड्स लगाते हैं तीन तीन बार कोडी कटर एंड क्रॉस रोड्स। और भाई उसके बाद से ब्रॉक लेसनर इस मूव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो सेल नहीं किए। भाई ऐसा लग रहा था कि बॉच हो गया लेकिन एट दी एंड भाई कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं, ब्रॉक लेसनर भाई हार जाते हैं। ब्रॉक लेसनर को भाई कोडी रोड्स ने क्लियर तरीके से समर स्लैम में पिन कर दिया। भाई उसके बाद से हमें देखने को मिलती है ब्रॉक लेसनर की तरफ से पहली बार स्पोर्ट्समैनशिप और भाई ब्रॉक लेसनर ने आज कोडी रोड्स को रिस्पेक्ट दिया और ये भी बता दिया कि ये है WWE का नेक्स्ट हीरो। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के पास जाते हैं, कोडी रोड्स से भाई सिर से सिर मिलाते हैं हेड टू हेड एंड देन भाई उसके बाद से कोडी रोड्स से भाई ब्रॉक लेसनर हैंड शेक भी करते हैं और भाई हैंड शेक के साथ साथ कोडी रोड्स का हैंड रेज भी करते हैं। और भाई कोडी रोड्स को एक अलग ही रिस्पेक्ट ब्रॉक लेसनर ने दिया था और भाई ऐसा लग रहा था कि सुपरस्टार का रिटर्न होगा या फिंड आएंगे या कोई और सुपरस्टार आएगा लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन भाई ये बहुत ही गजब का स्पोर्ट्समैनशिप हमें देखने को मिला इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच। और भाई ब्रॉक लेसनर थे तो हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन भाई मुझे लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर फिर से F5 वगैरह ना दे दें लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भाई द बीस्ट जो है वो फिर से कोडी रोड्स को एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाइटमेयर अमेरिकन को रिस्पेक्ट दिया है एंड देन भाई एट द एंड टाइम पे ये सारी मैचेज यहीं पे एंड हो जाएंगी एंड भाई रॉबलरी भी एंड हो गया। तो भाई वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा और भाई ब्रॉक लेसनर के इन सारे चीज़ों पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर कीजिएगा। भाई ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बेहतरीन बंदा आज पता चल गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में समर स्लैम से रिलेटेड।